दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है डेंजो ग्रुप की तरफ से। तो दोस्तों, डेंजो काफ़ी अच्छा ग्रुप है, और साथ में ये जो डेंजो कंपनी है, ये वर्क करती है पाइप्स एंड, यहाँ पर देखिए, काफ़ी पाइप्स और रेलवे वगैरह के जो पाइप्स होते हैं उनके वहाँ पर वर्क करती है। अब मैं सारी चीज़ें इनके बारे में यहाँ पर बता दूंगी। साथ में देखिए, लोकेशन यहाँ पर आप लोग की रहने वाली है नोएडा लोकेशन रहेगी। कई लोकेशन से ये वैकेंसी आ रही है, और साथ में मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस कंपनी के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, जितनी जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर देते हैं उतना काफ़ी प्रॉफिट रहता है, क्योंकि इनकी जो जो फॉर्म है वो, इनके जो एक्यूरेट बच्चे हैं वो कंप्लीट होते ही इन लोग का फॉर्म जो है लिंक ऑफ हो जाती है, मतलब फिर ओपन नहीं होती है। मैंने ऐसा कई बार देखा। अब देखिए, मैं थोड़ा इस कंपनी के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए गाइस, मैं आप लोग को बताऊँ, सबसे पहले देखिए, जो लोकेशन आप लोग की नोएडा रहेगी। दूसरा ये कि अगर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप इस कंपनी में ज़रूर जाएँ अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं आप लोग को बोलूँगी इस कंपनी में ज़रूर जाएँ, क्योंकि गाइस, मेरे साथ के कुछ वहाँ पर वर्क करते हैं, तो मेरे जानने वाले कुछ वर्क करते हैं, जिनके द्वारा मुझे पता चला कि ऑफिशियली वहाँ से कंपनी की तरफ से भी एक मतलब नोटिस जारी किया गया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की कमी है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। साथ में मुझे इसकी करियर पेज से भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो आप लोग की लोकेशन मैं बता ही चुकी हूँ, और मैं आप लोग को करियर पेज से भी बता देती हूँ। देखिए, आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे डेंजो, वहाँ पर डालिए गूगल पर डेंजो, और डेंजो की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। देन आप लोगों को क्या करना है, करियर साइट दिख रहा है, करियर पर आप लोग को यहाँ पर जाना है। ये दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, दो ऑप्शन में से जॉब एंड एप्लीकेशन पर आप लोग को जाना है। जैसे आप लोग को जाएंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप लोग को यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो देख सकते हैं गाइस, आप लोग यहाँ पर ये जो वैकेंसी आ रही है नोएडा, देखिए इसकी तरफ से आ रही है, और पूरा डिटेल मैं आप लोग को बता दूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं नोएडा दादरी रोड, यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, और साथ में यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर यूपी इंडिया, सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, नंबर भी दिया गया है। इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव कंपोनेंट यहाँ पर बनाए जाते हैं, अल्टरनेटर स्टार्टर ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो मैंने ये भी आप लोग को बता दिया कि ये इसकी ऑफिशियल साइट से भी निकल कर आ रहा है। दूसरा चीज़, अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें एलेबल यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग ओपनिंग की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो कंपनी आ रही है, ये देख सकते हैं डेंजो नोएडा की तरफ से आ रही है, यहाँ पर दिया गया है। साथ में देखिए, यहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, आप लोग का वॉक इंटरव्यू ही रहेगा, और यहाँ पर एक आप लोग के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप लोग को फिल करना होगा। लिंक जो है आप लोग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज़रूर से उसे फिल कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर बीटेक वाले यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं। बट मैं बात करूँ यहाँ पर बीई वालों की, तो बीई वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करूँगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैकेनिकल जो डिप्लोमा में मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। और साथ में देखिए, पासिंग ईयर उनका होना चाहिए 2019-20-21 में पास आउट है, वो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब थोड़ा हम स्क्रॉल करके यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है ऑल स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, बीटेक वाले किस ब्रांच के होने चाहिए, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ब्रांच दे रखी है, तीन ब्रांच, इनके यहाँ पर स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा देखिए, 2019-2020 और 2021 के पास आउट स्टूडेंट उन्होंने मांगे हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर प्लेसमेंट होने वाला है आप लोग का, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को कंपनी का नाम यहाँ पर बताया था, कंपनी का नाम है डेंजो कंपनी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो कंपनी का नाम यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, अब वेबसाइट आप लोग को यहाँ पर दे रखी है, और स्पेशली देखिए ये वेबसाइट की लिंक भी आप लोग को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। बाकी देखिए, मैंने आप लोग को दिखाया भी था इसकी वेबसाइट पे जाके, मैंने यहीं से जाके इसकी वेबसाइट ओपन की, और वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर इसकी ओपन यहाँ पर करियर साइट पर दिखा रहा है। अब देखिए, मैं आप लोग के लिए जब भी वैकेंसी लाती हूँ, पहले मैं इसकी मेन करियर साइट पर चेक करती हूँ, ताकि वो मेन करियर साइट पर आ रही है वैकेंसी या नहीं आ रही है, ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो वैकेंसी है, ये जो है 100% जेन्युइन है। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर कंपनी टाइप रहेगा ऑटोमोटिव रहेगा। अब आप लोग की जो जॉब का रोल रहेगा, वो रहेगा DET अप्रेंटिस, ठीक है।
तो मतलब आप लोग का देखिए 1 ईयर अप्रेंटिस रहेगा, DET। आप लोग को अप्रेंटिस जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग के लिए मैं बता देती हूँ, अप्रेंटिस एक प्रकार का यहाँ पर देखिए 1 ईयर का होता है, मतलब 12th मंथ का ड्यूरेशन होता है। उसमें आप लोग को कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब डेंजो कंपनी की मैं बात करूँ तो डेंजो कंपनी में स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा दिया जाता है अदर कंपनी की अपेक्षा। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है, उस सर्टिफिकेट की मदद से आप लोग इसी कंपनी में अच्छी पोजिशन पा सकते हैं और अदर कंपनियों में भी आप लोग अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विलेज और प्लेस दिया गया है। देखिए प्लेस अच्छे से आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को यहाँ पर दिक्कत ना हो। प्लेस यहाँ पर देखिए दे गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोएडा में है। अब देखिए दादरी रोड है, नियर दादरी रोड रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा है, ये चीज़ ध्यान रखिए क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पर वॉक इंटरव्यू के लिए जाएंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा गाइस थोड़ा मतलब उसमें डिफरेंस है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि ये जो है ग्रेटर नोएडा में, ये याद रखें ग्रेटर नोएडा का कहाँ पर, दादरी रोड वाला स्टेशन, ये चीज़ हो गई। अब देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ तो CTC कॉस्ट कंपनी की, तो कंपनी की कॉस्ट के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 14,000+ ही आप लोग की सैलरी रहेगी। 14,000 सैलरी मतलब 14,040 सैलरी तो आप लोग की इन हैंड रहेगी। क्या रहेगी? हाथ में, मतलब सैलरी इन हैंड का मतलब होता है जितनी आपके हाथों में सैलरी आने वाली है वो आपकी रहेगी 14,040। मतलब आप लोग का पूरा कैंटीन वैंटीन सारा ये सारा चीज़ कट के पूरा। अब बात आती है यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड की, तो अटेंडेंस अवार्ड जो आप लोग का रहेगा वो रहेगा यहाँ पर गाइस यहाँ पर 1,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड रहेगा और 30 रुपीज़ ये आप लोग को किसी चीज़ के दे रहे हैं, ठीक है। अब ये आप लोग की टोटल आप लोग की सैलरी होती है, स्टार्टिंग की सैलरी गाइस 14,000+ ही रहती है आप लोग की। फैसिलिटी की बात करें हम लोग तो फैसिलिटी देखिए यहाँ पर रहती है, ये देख सकते हैं आप लोग। फैसिलिटी में जैसे कंपनी विल प्रोवाइड टी, जैसे आप लोग को टी प्रोवाइड करेगी, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में आप लोग के लिए यहाँ पर जो है फूड यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसका जो है आप लोग को कितना देना होगा, 120 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोग को दे रखा है फूड अवेलेबल 20 रुपये, ठीक है। आप लोग की जो शायद यहाँ पर जो है आप लोग की डाइट यहाँ पर डाइट के हिसाब से होगा 20 रुपये, 20 रुपये में ये। अब देखिए शिफ्ट, शिफ्ट का मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ, तो देखिए शिफ्ट आप लोग की रहेगी यहाँ पर, देखिए शिफ्ट दे सकते हैं ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट, यहाँ पर 3 शिफ्ट रहती हैं। 3 शिफ्ट में देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, तो आपकी अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर रहती है, चेंज होती रहती है। और मैं आप लोग को सीरियसली बोलूँ तो आप लोग अगर चूज़ करेंगे तो मे बी आप लोग ए शिफ्ट चूज़ करेंगे, बट मैं आप लोग को अगर बोलूँ तो आप लोग सी शिफ्ट ज़रूर से चूज़ किए, क्योंकि सी शिफ्ट में क्या होता है, देखिए ये जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट है इसमें क्या होता है, ये मॉर्निंग टाइम होता है, ये मॉर्निंग के बाद का टाइम होता है, मॉर्निंग ये जो लास्ट वाला टाइम होता है ये नाइट का टाइम होता है। अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो इसमें तो जितना हैवी वर्क होता है वो इसमें हो चुका होता है, उससे थोड़ा कम बी शिफ्ट में रह जाता है। और सी शिफ्ट में तो मैं आप लोग को बोलूँ कि सबसे ज़्यादा सिंपल और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क जो है सी शिफ्ट में रह जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्किंग डे, वर्किंग डे यहाँ पर दिया गया है 24 से 25 वर्किंग डे, आप लोग को संडे की यहाँ पर छुट्टी मिलती है। अब एज की भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, तो आप लोग की एज रहेगी यहाँ पर 18 से 26 एज रहेगी, मतलब मिनिमम एज यहाँ पर 18 रहेगी, मैक्सिमम 26 रहेगी। लास्ट डेट की बात करें हम लोग तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है गाइस, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आप लोग की 14 फरवरी है। क्या है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट? 14 फरवरी है, और यहाँ पर 14 फरवरी से पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट आप लोग को क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट जैसे मैकेनिकल में जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है मैकेनिकल से। अब देखिए मैकेनिकल की कई ब्रांचेस होती है, तो वो सारी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, RAC हो गया। तो मे भी किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था कि यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल की या फिर प्रोडक्शन की वैकेंसी हो, तो मैं उसको सजेस्ट यही करूँगी कि वो यहाँ ज़रूर से जाए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए इनसे रिलेटेड जो भी ब्रांच होती हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है, कहने का मतलब यहाँ पर। अब देखिए 2019 और 2020 और 21 के पास आउट यहाँ पर जाने वाले हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर टाइमिंग, अब देखिए टाइमिंग यहाँ पर जो है आप लोग की, ये यहाँ पर देखिए ये जरूर से आप लोग को यहाँ पर बताएंगे, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निकाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि ये पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद यहाँ पर डेट देते हैं, क्योंकि एक साथ जिससे कि आप लोग वहाँ पर जा सके। देन देखिए यहाँ पर ऑन कैंपस होने वाला है, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसके थोड़ा डिटेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी जाएगी, तो लिंक आप लोगों को कहाँ मिलेगी वो भी जान लीजिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और देखिए अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को नहीं मिलती है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगी, बाकी मैं खुद भी कर देती हूँ टेलीग्राम पर सेंड, तो ये लिंक आप लोगों को दोनों मिल जाएंगी, बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है एग्जाम की, मतलब इंटरव्यू की, एग्जाम नहीं होता है इसका, इसका मतलब ना तो आप लोग की फीस, अगर देखिए कोई भी आपसे आपसे फीस मांगता है तो आप लोग ना दें, और ना ही आप लोग का यहाँ पर कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो एग्जाम भी नहीं होगा और यहाँ पर जो है आप लोग की कोई फीस भी नहीं होगी, तो क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। तो अब आप लोग की इंटरव्यू की डेट, तो गाइस आप लोगों को पहले क्या करना है, 14 फरवरी से पहले यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर ये आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म देखने के बाद ये इन्फॉर्म करेंगे कि किस दिन आप लोग का इंटरव्यू होगा। हो सकता है आपकी मेल पे भी कर दें, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर एक जो है आप लोग को साइट के जरिए से भी कर दें, तो जैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके कैंपस के लिए मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी गाइस, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस रजिस्ट्रेशन को फिल करिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, गाइस मैं मेहनत करके लाती हूँ और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, तो चलिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।